तो हेलो भाई, मैं हूँ अर्जुन स्थार। तो स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो आज अपन दिखाने वाले हैं मारुति सुजुकी की भाई एक्चुअल में सर्विस कैसी है, हॉस्पिटैलिटी कैसी है भाई उनकी, भाई कैसे करते हैं सर्विस। एक्चुअल में क्या ना भाई, सब दिखाते हैं कि मारुति की सर्विस ऐसी है वैसी है, बट आज अपन एक्चुअल में रिवील करेंगे भाई कि उनका बॉडी शॉप या फिर वर्कशॉप में जो काम होता है वो भाई कैसा होता है। ठीक है, आज अपन लेके जा रहे हैं अपनी मारुति सुजुकी एक्सएल 6 को कि भाई अभी हाल ही में एक एक्सीडेंट हुआ छोटा सा, उसको रिपेयर करवाने, एंड वो कवर पूरा इंश्योरेंस के तहत चलने वाला है। भाई लेके आ रहे हैं पीछे पीछे अपने साथ ही गाड़ी और फिर साथ ही चलते हैं। ये है मारुति सुजुकी एक्सएल 6। सो व्हाट हैपेंड कि यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप से इसमें डैमेज आया, एंड अपन लेके आए हैं ट्रू वैल्यू मारुति सुजुकी, जहाँ पे मतलब कि इनका सर्विस सेंटर है। इनका मतलब टोटली कॉम्बाइन है कि भाई यहाँ पे एक ही जगह पे सर्विस एंड बॉडी शॉप सब कुछ काम यहीं होता है। एंड तो वहाँ पे लेके आए, ये रहने वाला है टोटली इंश्योरेंस क्लेम में, एंड चेक करेंगे भाई मारुति सुजुकी की हॉस्पिटैलिटी कैसी रहने वाली है। बेसिकली टोटली खेल वही है कि भाई हॉस्पिटैलिटी कैसी रहती है। इनका एक्चुअल में इंश्योरेंस मिलता है मारुति सुजुकी से ही जो अपन को मिला है, एंड उसमें टोटली कैशलेस इंक्लूडेड है। तो देखते हैं और अंदर जाके दिखाते हैं कि भाई एक्चुअल में होगा क्या। ठीक है, और इनका मेनली जो पेपर प्रोसेस रहता है उसमें जस्ट मतलब कि कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, ये सब देना पड़ता है। एंड जो ओनर चला रहा था बेसिकली उसका मेनली रहता है रोल, अगर कोई दूसरा चलाता है तो उस कंडीशन में काफ़ी दिक्कत आती है। तो चलिए चलते हैं और चेकआउट कराते हैं आपको मारुति सुजुकी की हॉस्पिटैलिटी, एंड बेसिकली ये नेक्सा का प्रोडक्ट है तो इसका थोड़ा डिफरेंट रहने वाला है। सो लेट्स गो एंड देखते हैं वहाँ की सर्विसेज। एंड इसका जो मेनली जो अट्रैक्टिव पॉइंट है भाई, इसका इंटीरियर काफ़ी मस्त लगता है यार, टोटली ब्लैक। एंड मारुति की जो आर्टिका आती है उसमें मिलता है अपन को बेज एंड ब्लैक का कॉम्बिनेशन, वो टोटली मतलब ऐसा लगता है, फील होता है जस्ट लाइक प्रीमियमनेस के नाम पे उन्होंने स्पोर्टीनेस को बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया है, बट इसमें अपन को प्रीमियमनेस के साथ साथ स्पोर्टीनेस बिल्कुल मिलती है बरकरार है। यहाँ पे इस टाइप का कुछ फिनिशिंग मिलती है, और ये गाड़ी चल चुकी है ऑलमोस्ट 3000 किलोमीटर्स। ठीक है, अब ये ठीक है 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो कि 103 BHP पावर जनरेट करता है, 138 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये रही ठीक है 3483 किलोमीटर चली है टोटल। एंड गाड़ी को एक बार वापस घुमाते हैं और लेके चलते हैं उस साइड। सो पहुंच गए हैं सर्विस सेंटर के अंदर, एंड अंदर चलते हैं और लेके कि भाई क्या कुछ इनका प्रोसेस रहता है। बेसिकली अपन को पता है कि भाई प्रोसेस क्या कुछ रहने वाला है, हम एक बार पहले आ चुके थे तो वो थी चेकआउट की थी। तो चलते हैं। तो अभी क्या लंच टाइम है? अच्छा ठीक है। और लाइसेंस की फोटोकॉपी है। गाड़ी कौन चला रहा था? ये खुद ही चला रहे थे। एक तो लाइट है, बम्पर है, और ये विंडशील्ड पहले टूटी है, मतलब एक दिन पहले टूटी है। हाईवे से आ रही थी बाड़मेर रोड पे, कंकर लगा है, कंकर से टूटी है और ये बाद में गिरी है सुबह के टाइम। एक ही दिन का, एक दिन जो आया शाम को, ये सुबह के टाइम ये हो गया, रात में रखी बाहर निकाली ये हो गया। कैसे हुआ ये? खंबे में भिड़ी है, घर के सामने खंबा आया, जगह कम है तो ये गाड़ी जैसे लंबी है, निकाल रहे थे तो थोड़ा सा एक्सीलेटर ज़्यादा हो गया और कम काटी। विंडशील्ड का ये दो साथ में मिलना मुश्किल है थोड़ा। अच्छा, साथ में नहीं होगा? कैसे बताओगे दोनों साथ में कैसे हुए? अब वो तो ये तो हाईवे पे लगी और ये अब देखो निशान है कंकर के, तो वो तो यहाँ पे बड़ा है, ये देखो यहाँ पे एक निशान लगा है, ये देखो यहाँ पे बस कंकर यहाँ पे लगा है और बाद में ये फैल गई बस। दो तीन ये पहले यहाँ तक, कल परसों लेके आए तब तक तो यहाँ तक था ये बढ़ के।
ठीक है बैठो, क्लेम फॉर्म फिल कीजिए, मैं आ रहा हूँ। ठीक है ये कारण है। अब देख लो आप एक बार, जिसमें कोई गलती हो। ये रात को हुआ है ना, विंडशील्ड वाला, विंडशील्ड वाला रात को हुआ है। 10 बजे के आसपास आ रहे थे बालोतरा से। टाइम मेंशन किया है कि हाँ ये रात 10 बजे बालोतरा से। हाँ तो फिल कर रहा है बस ऐसी ना, ये का और लगा रही हूँ गया पचास और 25 को लिख रहा हूँ। हाँ एक और लिख रहा हूँ, सो फाइनली दे दी है गाड़ी को मारुति सुजुकी में। एंड एक्सपीरियंस की बात करें यहाँ पे तो अभी दिए, और इन्होंने एक्चुअली बोला कि एस्टिमेटेड है कि 15 दिन में, ठीक है, अब 15 दिन में जाके ये गाड़ी मिलेगी। और तो और इन्होंने भाई पानी का नहीं पूछा और बैठा दिया, और जाके मतलब कि काफ़ी देर वेट करने के बाद में एक बंदा आया, उसने अपन को बताया कि भाई हाँ कि ये कुछ करना है। एंड इनकी कोई सर्विस टीम में कोई था ही नहीं है एक्चुअल में, सही बताओ ना। और आपने जैसा कि देखा तो गाड़ी की फॉर्मेलिटी यार इंश्योरेंस में लेते वक्त भाई बहुत ज़्यादा होती है यार, बहुत फॉर्मेलिटी, जस्ट लाइक इतनी सारी फॉर्मेलिटी, इतने में भाई एक गाड़ी कोई परचेज करता है उस वक्त भी नहीं होती। और इतना डिटेल में मांगते हैं कि भाई इतना कैसे हुआ, कब हुआ, टाइम लिखो, मतलब भाई बहुत ज़्यादा डिटेल में लिखना पड़ता है। सब करने के बाद आप चलते हैं घर की तरफ, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, एंड मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, और 15 दिन बाद में आपको इसका बता देंगे भाई कि हॉस्पिटैलिटी एक्चुअल में कैसी रही। सो कीप वॉचिंग।